शिमला में स्थित हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 3 दिन से कैंपस में हड़ताल कर रहे हैं। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं और फीस को कम करने की मांग को लेकर बीते 6 महीने में छात्रों का ये दूसरा विरोध प्रदर्शन है। We have also been talked about washrooms in our university campus and also Wi-Fi. We are not having hygienic food. We are not even having safe drinking water. And also in the name of infancy, we are also being denied the essentials of an enemy, such as moot court competitions, parliamentary debates, workshops and seminars, and also other facilities. देश में सरकारी स्कूल और कॉलेज बद इंतजामी का शिकार हैं। ताज़ा उदाहरण है शिमला में मौजूद हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। छात्र आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर के पास सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं है। अगर हम ये रिकॉर्ड निकालें कि इन बच्चों की जो खड़े हैं यहाँ पे जीरो अटेंडेंस है, इन बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, अगर मीडिया देखना चाहे तो वो भी दिखाने को तैयार होंगे। वो अलग इशू है। एक तो बद इंतजामी है, और अगर छात्र सवाल उठाते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो उल्टे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी जाती है, जैसा यहाँ हुआ है। छात्रों को 20 सितंबर तक कैंपस खाली करने के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर 20 सितंबर तक कोई छात्र कैंपस खाली नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।